गुड मॉर्निंग, आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम सामग्री स्टॉक की जांच या सामग्री की गणना प्रणाली के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो लेसन चल रहा है इश्यू एंड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, इस चैप्टर में हमने अभी तक इश्यू ऑफ मटेरियल्स मेथड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिनके माध्यम से हम सामग्री को स्टोर से इश्यू करते हैं और उनके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, इन सब के बारे में बातचीत की है। परंतु स्टॉक का सही रूप से उपयोग किया जाए, सही रूप से उसका यूज किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पर स्टॉक की जांच करनी चाहिए। स्टॉक का वेरिफिकेशन समय समय पर होता रहेगा तो जो हमारा स्टॉक है वो वेस्टेज या गबन या चोरी की जो संभावनाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टॉक टैकिंग बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से हम स्टॉक पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक सामग्री स्टॉक की जांच या सामग्री गणना प्रणाली, स्टॉक टेकिंग। देखिए कि संग्रहालय में सामग्री के आगमन तथा निर्गमन का लेखा संग्रहालय खाता बही, बिन कार्ड आदि में करने से ये जानकारी तो हमें अवश्य हो जाती है कि पुस्तकों के आधार पर किस वस्तु का कितना शेष रहा है। आपको मैंने पिछले हमारे जो लेक्चर हुए थे उसमें बताया था बिन कार्ड। एक बिन कार्ड होता है जिसके माध्यम से हमें ये जानकारी होती है कि हमारे स्टोर में किस प्रकार के मटेरियल की कितनी यूनिट्स हैं उपलब्ध हैं। और एक होता है स्टॉक रजिस्टर, जिसके माध्यम से भी हमें ये सब जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम और रीऑर्डर स्टॉक आपका अंकित होता है। तो उससे हमें जानकारी तो हो जाती है कि हमारे पास कितना शेष है स्टॉक का, परंतु साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास किया जाता है कि विद्यमान सामग्री वास्तव में उतनी विद्यमान है या नहीं। अब ये चेक करेंगे कि वास्तव में जो स्टॉक रजिस्टर में दिखा रखा है कि हमारे पास इतना बैलेंस उपलब्ध है, तो वास्तव में क्या स्टोर में वो सामग्री उपलब्ध है या नहीं, अर्थात विद्यमान सामग्री की गिनती या नाप तोल कर भौतिक गणना की जाती है। विद्यमान सामग्री है उसको नाप तोल उसका करते हैं, उसका जांच हम करते हैं, जिससे कि जो विद्यमान सामग्री है उसका पता लगाया जा सके और भौतिक रूप से उसका स्थापन किया जा सके। अब भौतिक गणना का सारा उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि संग्रहालय के अधिकारियों को इस बात की जानकारी न हो। अगर संग्रहालय के अधिकारियों को इस बात की जानकारी होगी कि आज जांच होने वाली है तो वो स्टॉक, उसको जो कमी है उसकी स्टॉक की पूर्ति वो कर देंगे और फिर वापस उस स्टॉक को निकाल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उसकी जानकारी स्टॉक के अधिकारियों को, संग्रहालय के जो अधिकारी हैं उनको इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि आज जांच होने वाली है। सामग्री की भौतिक जांच कब और किन व्यक्तियों द्वारा और कैसे की जाएगी ये उसको उनको जानकारी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करें कि हमारी मेथड्स कितने प्रकार की होंगी जिनके माध्यम से हम स्टॉक का टेकिंग
या स्ट्रोक की जांच करते हैं तो मुख्य रूप से है दो जो हमारी मेथड्स हैं उनके माध्यम से हम इसकी जानकारी करते हैं। एक तो होता है भौतिक गणना रीति। क्या होता है? भौतिक गणना रीति, फिजिकल स्ट्रोक टेकिंग बोलते हैं इसको। और सेकंड होता है नियंत्रण सूची रीति। नियंत्रण सूची रीति कि दो प्रकार की मेथड हम यूज करते हैं स्ट्रोक को जांच करने के लिए। अब देखिए भौतिक जो गणना रीति है उसमें भी दो प्रकार की मेथड आप के द्वारा यूज की जाएंगी, और जिसमें प्रथम जो है सामयिकी भौतिक गणना, सामयिकी भौतिक गणना विधि है, उसका यूज हम स्ट्रोक के भौतिक स्थापन में करते हैं। और सेकंड हमारा है नियंत्रण भौतिक गणना, दूसरी है कंटिन्यूस फिजिकल स्ट्रोक टेकिंग। अब देखिए फर्स्ट मेथड के बारे में आपको बताते हैं कि सामग्री की सामयिकी भौतिक गणना इस पद्धति के अंतर्गत जो फर्स्ट है भौतिक स्थापन की गणना पद्धति का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट विधि है, उसमें जिसको हम सामग्री की सामयिकी भौतिक गणना पद्धति बोलते हैं, इसके अंतर्गत स्टॉक की भौतिक गणना एक निश्चित अवधि, इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि एक निश्चित अवधि के अंतर्गत जो कि मासिक हो सकती है, त्रैमासिक हो सकती है, के अंतर आधारित होती है, उसके आधार पर होती है, और समय समय पर प्रत्येक सामग्री वास्तविक स्टॉक की भौतिक गणना करके, वास्तविक स्टॉक की क्या करते हैं भौतिक गणना करके उसका मिलान संबंधित दिन कार्ड तथा सामग्री खाता बही के शेष से किया जाता है, उनका मिलान किया जाता है, और संबंधित जो बिन कार्ड है और सामग्री खाता बही के शेष से किया जाता है, तथा दोनों में अंतर होने पर, अगर दोनों में कोई अंतर है तो उसके कारणों की जांच की जाती है, और चोरी तथा छल कपट आदि के कारण स्टॉक में कमी होने पर, स्टॉक में कमी होने पर दोषी व्यक्तियों को चेतावनी दी जाती है। दोषी व्यक्तियों को क्या दी जाती है? चेतावनी दी जाती है, अर्थात दंड दिया जाता है, क्योंकि ये पद्धति अधिकतर छोटी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है, क्योंकि इन संस्थाओं में सामग्री का दैनिक आगमन और निर्गमन अधिक नहीं होता है। अब आपको ध्यान में रखना है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि छोटे और छोटे व्यापारियों द्वारा या छोटी संस्थाओं द्वारा स्टॉक टेकिंग की कौन सी विधि अपनाई जाती है, स्टॉक जांच की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो उस विधि का नाम क्या होगा? सामग्री की सामयिकी भौतिक गणना पद्धति। और इस विधि को क्यों अपनाया जाता है? इस विधि को इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि छोटी जो संस्थाएँ होती हैं उसमें दैनिक जो आगमन और निर्गमन की जो संख्या है वो बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, इस कारण से इस पद्धति को अपनाया जाता है। और सेकंड जो इसका पार्ट है भौतिक गणना पद्धति का, सामग्री की नियंत्रण भौतिक गणना। इसमें देखिए इसके अंतर्गत सामग्री की भौतिक गणना का कार्य नियंत्रण वर्ष भर चलता रहता है, प्रतिदिन कुछ सामग्री की गणना कर ली जाती है, वर्ष भर वो कार्यक्रम क्या रहता है चलता रहता है, प्रतिदिन कुछ सामग्री की क्या करते हैं गणना करते हैं, और संबंधित सामग्री के शेष का मिलान बिन कार्ड और सामग्री खाता बही से संबंधित खातों से किया जाता है, दोनों में अंतर होने पर उसी दिन उसकी छानबीन की जाती है, और इस प्रकार स्टॉक में कमी होने पर सामग्री की चोरी की संभावनाएं, कमी तथा चोरी सामग्री की चोरी होने की जो संभावना है वह बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इस पद्धति को अपनाने पर भंडार गृह के कर्मचारी पूर्ण रूप से सतर्क रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो वर्ष भर कार्यक्रम चलता रहता है, इसमें कोई ढील आपको नहीं दी जाती, इस कारण से जो कर्मचारी काम करते हैं वो कर्मचारी वर्ष भर सतर्क रहते हैं, और चोरी वगैरह का जो है वो मामले बहुत कम होते हैं। सामग्री खाता बही में
न तो विभिन्न खातों के अपूर्ण रहने की कोई भी संभावना खातों के वो अपूर्ण रहने की नहीं होती, क्योंकि वो सब काम व्यवस्थित रूप से वर्ष भर चलता रहता है और नए कर्मचारियों को चोरी के अवसर मिल पाते हैं और वर्ष भर कार्यक्रम चलता रहता है तो उनको कल चेक किया फिर कल नेक्स्ट दिन और चेक करेंगे तो कर्मचारी को चोरी की जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। और इस क्योंकि इस सामग्री के स्टॉक पर नियंत्रण रहता है और ये बड़ी संस्थाएं द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति है भौतिक स्थापन की सेकंड, जिसको नियंत्रण भौतिक गणना पद्धति बोलते हैं। सामग्री की नियंत्रण भौतिक गणना पद्धति छोटी और बड़ी दोनों संस्थाओं के लिए भौतिक गणना की दो पद्धतियां हैं। सामग्री की भौतिक गणना पद्धति छोटे व्यापारियों के लिए और नियंत्रण भौतिक गणना पद्धति बड़े व्यापारियों के लिए। सामग्री की भौतिक गणना की उपयुक्त पद्धतियों में चाहे कोई भी पद्धति अपनाई जाए उनका सबसे बड़ा दोष ये है कि उत्पादन कार्य उस समय तक रुक जाता है जब तक कि भौतिक गणना में सामग्री स्टॉक की भौतिक गणना का कार्य चलता रहता है। जो वर्ष भर कार्यक्रम चलता रहता है उसमें क्या होता है कि जो कार्यक्रम है वो वर्ष भर चलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो उत्पादन कार्य है वो उस समय तक रुक जाता है जब तक कि उसका भौतिक स्थापन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। पहला दोष तो ये है। दूसरा दोष ये है कि किस सामग्री का कितना स्टॉक किस समय भंडार गृह में है इसका ज्ञान उस समय तक नहीं हो पाता जब तक कि भौतिक गणना न कर ली जाए। जब तक भौतिक गणना पूरी नहीं होती है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि किस स्टॉक का कितना शेष सामग्री हमारे जो भंडार गृह है उसमें है। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसी पद्धति अपनाएं जिससे कि इसके जो हमारा है भौतिक स्थापन का जो कार्य है वो उत्पादन कार्य में बाधा नहीं बने। उसके लिए जरूरी है फर्स्ट कार्य क्या करेंगे, उत्पादन कार्य में किसी भी स्थिति में रुकावट नहीं होनी चाहिए, ऐसी पद्धति हमें अपनाई जानी चाहिए। सेकंड, सामग्री की उपलब्धता के संबंध में सूचना नियंत्रण प्राप्त होती रहनी चाहिए कि सामग्री स्टॉक में कितनी उपलब्ध है इसकी सूचना हमें नियंत्रण रूप से प्राप्त होती रहनी चाहिए। और थर्ड हमारा है सामग्री की क्षय तथा हानि जहाँ तक संभव हो न्यूनतम मात्रा तक सीमित रहे, एक फिक्स्ड परसेंटेज हम फिक्स करते हैं कि इससे ज़्यादा हमें सामग्री का क्षय या हानि नहीं होनी चाहिए। और ये हमारी दूसरी विधि है नियंत्रण सूची विधि। कौन सी है, नियंत्रण सूची विधि। सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक निर्माण संस्था में सामग्री के प्रत्येक मद की प्राप्ति तथा निर्गमन संबंधी लेखे बिन कार्ड सामग्री खाते में किए जाते हैं। बिन कार्ड में सामग्री की केवल मात्रा का तथा सामग्री खाते में मात्रा और मूल्य दोनों के लेखे रहते हैं। बिन कार्ड में सामग्री की केवल मात्रा लिखते हैं कि इतनी यूनिट हमारे पास उपलब्ध हैं, जबकि स्टॉक रजिस्टर में उसकी मात्रा और उसका मूल्य भी लिखते हैं। उनमें अन्य खातों के शेष का एक खाना होने से सामग्री की प्रत्येक प्राप्ति और निर्गमन का लेखा करने के पश्चात सामग्री का शेष ज्ञात होता रहता है, एक अलग खाना होता है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना मटेरियल आया कितना मटेरियल गया और बैलेंस में हमारे पास कितना मटेरियल उपलब्ध है। इससे किसी भी समय ये सूचना प्राप्त की जा सकती है कि भंडार जो हमारा गृह है उसमें किस सामग्री की कितनी मात्रा उपलब्ध है। सामग्री की प्राप्ति व निर्गमन संबंधी लेखे रखने की उपयुक्त रीति को नियंत्रण सूची प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नियंत्रण सूची प्रणाली बोलते हैं। इस प्रकार नियंत्रण सूची प्रणाली का अभिप्राय सामग्री के शेष स्टॉक का लेखा करने की एक ऐसी विधि जिसके अंतर्गत सामग्री की प्रत्येक प्राप्ति व निर्गमन के पश्चात उसकी जाँच अधिक सुविधाजनक हो जाती है तथा स्टॉक का जो भौतिक गणना के लिए उत्पादन कार्य रोकने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, वो कार्य हमारा क्या होता है चलता रहता है। दूसरे शब्दों में नियंत्रण सूची विधि सामग्री संबंधी लेखे रखने हेतु नियंत्रण विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली एक लेखा विधि है। नियंत्रण विभाग द्वारा ये जो विधि अपनाई जाती है वो है लेखा विधि है, जो सामग्री के भौतिक आगमन और निर्गमन तथा उसके वर्तमान शेष की
के रूप में प्रकट होती है। इन सब परिभाषाएं जो आपको मैंने दी थी, इससे ये निष्कर्ष ये निकलता है और समुचित अर्थ में नियंत्रण सूची विधि से ऐसे सामग्री के स्टॉक का नियंत्रण लेखा करने व रखने से है, जबकि विस्तृत अर्थ में इसके अंतर्गत सामग्री की नियंत्रण भौतिक गणना करने तथा तत्संबंधी आज तक के लेखे करने संबंधी दोनों ही कार्य सम्मिलित है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि नियंत्रण सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सामग्री के बिन कार्ड के शेष की जांच सामग्री खाते में दिए गए शेषों से बार बार की जानी चाहिए। नियंत्रण सूची प्रणाली के अंदर क्या करते हैं, प्रत्येक सामग्री के बिन कार्ड की शेष की जांच है वो सामग्री खाते में दिए गए शेषों से बार बार करते हैं और ये देखते हैं, देखना चाहिए कि दोनों का जो शेष है वो बराबर है या नहीं। बहुत सामग्री की मात्रा की समय समय पर भौतिक गणना करके उसकी वास्तविक मात्रा की तुलना बिन कार्ड और सामग्री खाते के शेष से की जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम दो मेथड के माध्यम से ये जो स्टॉक टेकिंग का कार्य है वो करते हैं और उसमें बहुत अच्छी तरह से स्टॉक का नियंत्रण कर सकते हैं। थैंक यू।